जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद बिहार की राजनीति में बदले समीकरण और सीएम नीतीश कुमार के आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को मजबूत करने की पहल के बीच पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 23 और 24 सितंबर को दो दिवसीय दौरा है और इस पर पूर्णिया और किशनगंज में होने के बेहद अलग मायने हैं। आपको बता दें कि गृहमंत्री सीमांचल की धरती से मिशन 2024 की तैयारी का आगाज करेंगे और सीमांचल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी नेताओं की बैठक में जीत का मंत्र भी देंगे। अमित शाह की नज़र नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटे किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम लगाने पर भी होगी। इसी के मद्देनजर 24 सितंबर को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शाह बीएसएफ एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जहां वे नेपाल बॉर्डर का जायजा भी लेंगे। गृहमंत्री शाह 24 सितंबर को कोसी और सीमांचल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह पूर्णिया की जनसभा में नीतीश के विपक्षी एकजुटता की पहल पर हमला भी करेंगे। ये पहला मौका है जब बिहार के सीमांचल से बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज होगा। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर शाह का सीमांचल दौरा बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है। आपको बता दें कि सीमांचल के चारों जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में बीजेपी की पकड़ अब भी कमजोर है। किशनगंज में तो 1999 के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट एनडीए गठबंधन में जेडीयू को चली गई। गठबंधन टूटने के बाद यहां भी कमल खिलाना चुनौती है। जेडीयू से बिहार में अलग होने के बाद बीजेपी के लिए सीमांचल में चुनौती असल में और बढ़ गई है। मिशन 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने बिहार में सभी सीटों पर जीत हासिल करने का टारगेट रखा है। 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। गृहमंत्री जी यहाँ पे सभा करेंगे, सभा करने के बाद वह हेलीकॉप्टर से किशनगंज जाएंगे, वहाँ पर उनकी सभी विधायक सांसदों के साथ बैठक है, बिहार की उस पर चर्चा है, उसके बाद कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। अगले दिन पार्टी का एक कार्यक्रम है जिसमें सभी प्रमुख इन चार जिलों के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 मिनट में प्रदेश की खबरें।